प्रतिबंधित पॉलिथीन के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम प्रशासन की संयुक्त टीम लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रही है। शनिवार को एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में राजघाट क्षेत्र के खूनीपुर रोड पर थोक व फुटकर विक्रेताओं की दुकान पर छापेमारी किया गया और भारी भरकम जुर्माना वसूला गया। प्रतिबंधित पॉलिथीन प्रदेश में पूरी तरह से बंद करने के बावजूद लाभ के लिए दुकानदार इसका क्रय विक्रय कर रहे हैं। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक के बर्तन जब्त किए गए। इस दौरान अभियान में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त डी के सिन्हा, उप नगर आयुक्त अवनींद कुमार, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी सहित नगर निगम के अनेक अधिकारी, कर्मचारी और स्थानीय पुलिस बल शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने कहा, पॉलिथीन को रिप्लेस किया जा सकता नहीं, गाजियाबाद में खूब इतना और ये केले के झूले भी है, सब बन रहा है, कौशाम्बी से बन रहा है। कहाँ चले जाते हैं इतनी जल्दी लोग? काम करते नहीं, सब प्राइवेट काम करते हैं। बोलिए उसको बड़ा वाला गेट तब उठी गाड़ी लेके और गाड़ी हो लेके आ जाओ। अभी ये अंदर है, ये है तो खुला हुआ है, इसको बगल वाला जो कटर है। दिखाओ राजपूत गुजरात कितना माल है, मेरे हाथ में नहीं है, जो शासन ने तय किया वो हम लेके नहीं तो क्या हम कम लेके अपना बंद कर चप्पल चार बैठ जाओ ना, गाड़ी तैयार सर हो गया ना, सर बड़ी बात रखी है, आपकी बात हमने रखी, आप हमारी बात रखी है सर। बात रखने की बात ही नहीं है, हम नौकरी में देखिए, ये पूरे शहर में छापेमारी क्या, लोगों को सचेत किया जा रहा है कि पॉलिथीन का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दें, किसी तरह के डिस्पोजेबल प्लास्टिक पूर्णतया बैन है और इसको बंद करें, शहर को साफ रखने में सहायता मिले। ये पहले अनाउंसमेंट भी कराया गया अखबारों के माध्यम से, आपके टीवी चैनल्स के माध्यम से लोगों को संवेदनशील बनाया गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग मान नहीं रहे हैं, उनके लिए अर्थदंड लगाकर छापेमारी करके वो सामान जब्त किया जा रहा है और अर्थदंड आरोपित किया जा रहा है। तो आज इसी क्रम में यहाँ पर खूनीपुर में ये कार्रवाई की जा रही है, इसके पहले महेवा मंडी में ये कार्रवाई की गई है
और शहर के विभिन्न हिस्सों में लगातार जारी रहेगी ये कार्रवाई। बिल्कुल इंडस्ट्रियल एरिया में देखिए मैन्युफैक्चरिंग भी इसकी बैंड है, पोर्टिया बैंड है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में भी छापेमारी की जाएगी, लेकिन छापेमारी की पूर्व सूचना हम नहीं दे सकते हैं, अन्यथा फिर कुछ मिलता नहीं है। तो बिल्कुल आपकी जो बात है वो पहले से हम लोगों के दिमाग में ये करना है, ठीक है। अब ये तो उसके वैल्यूएशन करने पे पता चलेगा, उसको तोलवाया जाएगा, लेकिन अनुमानतः यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा माल मिला है, कुछ क्विंटल में मिला होगा, ये मैं कह सकता हूँ। जी हाँ, जुर्माना भी लगाया गया है। देख, जुर्माना मैक्सिमम इनके ऊपर लगेगा, 25,000 रुपये मैक्सिमम जुर्माना रखने के लिए है, और 25,000 मैक्सिमम जुर्माना इसको यहाँ वहाँ फेंकने के लिए है, तो ये दोनों जुर्माने लगाए जाएंगे।